तक आपने सुना कि जैसे ही सपना अंगूठी उतारने की कोशिश करती है, दामिनी के शरीर में हलचल शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वैजी और भैरव बहुत खुश होते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद राघव को तीन रास्ते दिखते हैं दंपति के घर जाने के लिए। हमशक्ल उनमें से एक रास्ता चुनती है। इधर गुरु नन्ही भैरवी और नंदी के साथ जंगल से बाहर निकलने के लिए परेशान है। सपना भैरव के पास आती है और बोलती है कि राजा साहब राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। भैरव दामिनी के कमरे में आता है तो वहां पर सपना बेहोश पड़ी हुई होती है और दामिनी कमरे में नहीं है। अब आगे सुनिए। भैरव गुस्से में बहुत ही जोर से चिल्लाता है, सिपाहियों अग्नि जल्दी आओ। ये आवाज इतनी तेज थी कि महल के कोनों में गूंज उठी। सिपाही डर से भागते हुए कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चिंता और भय के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। भैरव की आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, राजकुमारी कहाँ है? ये सुनते ही सारे सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे जवाब देने से डर रहे हों। कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी ने अपने सिर झुका लिए। अग्नि हल्की सी घबराहट के साथ धीरे से बोली, राजकुमारी जी जिस हालत में है वो खुद कहीं आ जा नहीं सकती, और उन्हें यहाँ से कोई ले जा सके ऐसा कोई यहाँ नहीं आया। मैं खुद दरवाजे पर खड़ी थी भैरव, मैंने किसी को भी यहाँ आते जाते नहीं देखा। सुरक्षा व्यवस्था है तुम लोगों की, तुम्हारे सामने से दामिनी यहाँ से गायब हो गई और तुम लोगों को कुछ खबर ही नहीं है। ये कहकर भैरव ने अपना सिर पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपने चारों ओर तेजी से नजरें घुमाने लगा। फिर उसकी निगाह खिड़की पर ठहर गई जो आधी खुली थी। उसके दिल में एक अजीब सा शक पैदा होने लगा। वो हैरान होते हुए बोला, जब मैं यहां से गया था तब ये खिड़की बंद थी, फिर इसे किसने खोला? ये बोलकर वो तेजी से खिड़की की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने खिड़की के बाहर झांका, उसकी आंखें एक लटकती हुई रस्सी पर टिक गईं। रस्सी को लटका हुआ देखकर उसकी हालत बुरी हो गई और उसका पूरा चेहरा पसीने में नहा गया। वो फौरन पलटा और उसने सिपाहियों की तरफ देखते हुए आदेश दिया, सारे सिपाहियों को सावधान कर दो, कोई भी महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। महल के छोटे बड़े सारे दरवाजे बंद कर दो और महल के एक एक कोने की तलाशी लो। भैरव का आदेश मिलते ही पूरे महल में अफरा तफरी सी मच गई। पूरा महल छावनी में बदल गया था। हर तरफ सिपाही घूम रहे थे और राजकुमारी दामिनी को ढूंढ रहे थे। महल की दीवारों में एक भयानक सन्नाटा छा गया, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। भैरव सिपाहियों को आदेश देने के बाद दामिनी के कमरे से तेजी से बाहर निकल गया और तेजी से महल के पीछे की तरफ भागा। भागते हुए भैरव ने जल्दी से अपनी कमर से तेजस निकाला। महल के पीछे जाते हुए उसके मन में हजारों बातें घूम रही थी। कल ही वैजी ने उसके अंदर एक उम्मीद जगाई थी, दामिनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कौन है जो उसे यहाँ से उठा कर ले गया है? मैं किसी भी कीमत पर अब दामिनी को खोना नहीं चाहता। मैं दुनिया की उस हर बुरी चीज से लड़ जाऊंगा जो दामिनी को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगी। ये सब सोचते हुए जैसे ही भैरव महल के पीछे बने हिस्से में पहुंचा, चारों तरफ का वातावरण बहुत अजीब सा था। भैरव ने चारों तरफ देखा पर कहीं पर कुछ नहीं था। अचानक उसकी नजर अपनी बाईं तरफ गई। भैरव ने देखा एक इंसान के सिर की ऊंचाई पर दामिनी का शरीर लेटी हुई अवस्था में उड़ते हुए चला जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे उठा रखा है, लेकिन वहां दामिनी के अलावा कोई और दिख नहीं रहा था। ये देखकर भैरव की सांसें थम गईं। उसने तुरंत अपना तेजस उस दिशा में घुमाया। तेजस की दिव्य रोशनी में एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया। दामिनी का शरीर हवा में उड़ नहीं रहा था, बल्कि चार अदृश्य काली शक्तियां दामिनी का शरीर उठाकर ले जा रही थी। उन शक्तियों की लाल चमकती आंखें भैरव को साफ दिखाई दे रही थी। भैरव तुरंत समझ गया कि ये त्रिशिराज के सिपाही हैं जो दामिनी को उससे छीन कर ले जाना चाहते हैं। भैरव के भीतर गुस्से की ज्वाला फूट पड़ी। उसकी आंखों में आक्रोश की लपटें जलने लगी। वो जानता था कि उसे अब हर हाल में दामिनी को बचाना है। भैरव ने उन अदृश्य काली शक्तियों को ललकारते हुए कहा, रुको, दामिनी को छोड़ दो वरना मैं तुम सबकी बहुत बुरी हालत कर दूंगा। भैरव की ललकार सुनकर काली शक्तियों की लाल आंखें चमकी और वे हैरानी से ठिटक गईं। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान उन्हें देख भी पाएगा। उनमें से एक ने चौंकते हुए कहा, ये हमें कैसे देख सकता है? दूसरे ने भैरव के हाथ में तेजस देखकर गुर्राते हुए कहा, इसके हाथ में जो खंजर देख रहे हो बहुत शक्तिशाली है और उसमें अनेक शक्तियां हैं, इसलिए ये हमें देख पा रहा है।
लेकिन हम ऐसे कई खंजर को देख चुके हैं, इसे अभी खत्म कर देते हैं। ये सुनते ही चारों काली शक्तियों ने दामिनी के शरीर को किनारे पर रखा और एक साथ भैरव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। भैरव ने तेजस को कस कर पकड़ लिया। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। उन चारों की आंखों में भैरव को मारने का जुनून था। भैरव ने तेजस की तेज रोशनी के साथ उनका सामना किया। महल के सिपाही भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ अनदेखा और अनजाना था। वे देख सकते थे कि भैरव हवा में किसी से लड़ रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सारे सिपाही एक दूसरे की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भैरव आखिर लड़ किससे रहा है। चारों काली शक्तियां एक साथ भैरव की ओर झपट पड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उनके साथ आसमान में काले बादल भी छा रहे थे और हवा में घुली घनी अंधकार की परतों ने सब कुछ ढक लिया। कुछ पल में ही पूरा आसमान काला हो गया। काले आसमान को देखकर भैरव सोच में पड़ गया और जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ये काली शक्तियां दामिनी को यहां से लेकर ना चली जाए। इसलिए उन्होंने चारों तरफ धुआं कर दिया है जिससे उसे कुछ भी दिखाई ना दे। लेकिन भैरव निडर था। उसने तेजस को आसमान की तरफ ऊंचा उठाया और उसकी रोशनी अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ी। अब बादल पूरी तरह से साफ हो चुके थे। जैसे ही उन चारों काली शक्तियों ने साफ बादल को देखा, उन्हें समझ में आ गया कि उनकी लड़ाई किसी आम इंसान से नहीं है। इसलिए पहली काली शक्ति, जो सबसे भयानक थी, भैरव के सिर पर वार करने के लिए झपटी। लेकिन भैरव ने तुरंत अपने तेजस को उसके ऊपर फेंका और एक चमकदार किरण उसकी ओर बढ़ी। वो काली शक्ति चीखते हुए काले धुएं में बदल गई। ये सब देखकर बाकी तीन काली शक्तियां अब और भी क्रोधित हो गईं। दूसरी काली शक्ति ने भैरव के पैरों को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन भैरव ने तेजस को घुमाते हुए उस पर वार किया। दूसरी काली शक्ति बहुत जोर से चिल्लाई और उसका शरीर बिखर कर हवा में विलीन हो गया। अब दो काली शक्तियां बची थी। दोनों एक साथ भैरव पर टूट पड़ी। एक ने पीछे से हमला किया और दूसरी ने सामने से वार किया। भैरव ने अपने दोनों हाथों से तेजस को तेजी से घुमाया और दोनों को एक ही झटके में मिटा दिया। वे दोनों भी धुएं में बदल कर गायब हो गईं। भैरव ने गहरी चैन की सांस ली और वो तेजी से दामिनी की तरफ भागा। अचानक उसकी पीठ पर भयावह वार हुआ। भैरव दर्द से तिलमिला उठा और लड़खड़ाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। ठीक भैरव के पीछे पांचवी काली शक्ति थी, जो अब तक छिपी हुई थी। उसने हमला किया था। उसकी आंखों में खूनी लाल रोशनी चमक रही थी और उसने घिनौनी मुस्कान के साथ भैरव को काली शक्तियों के जाल में जकड़ लिया और हंसते हुए जोर से बोला, तुम्हें क्या लगा तुम त्रिशिराज के सैनिकों को इतनी आसानी से हरा दोगे? अब देखता हूं तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। क्या तूने देखा नहीं मैंने तेरे साथियों का क्या हाल किया है? ये कहकर भैरव ने पूरी ताकत से तेजस को उसकी ओर घुमाया, लेकिन इस बार इस काली शक्ति का वार बहुत ताकतवर था। उसने भैरव के गले पर वार किया। भैरव का शरीर काली शक्ति की जकड़न में था। वो छटपटा रहा था। भैरव को लग रहा था उसका अंत आ गया है। अगले ही पल भैरव की आंखें दामिनी पर टिक गईं। तभी अचानक अग्नि वहां आ गई और उसने अपनी तलवार से उस पांचवी शक्ति को बीच से काटते हुए उसे भस्म कर दिया। ये देखकर भैरव भी हैरान रह गया। दूसरी तरफ यहां घने जंगल में आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लग रहा था जैसे कभी भी झमझम बारिश बरस सकती है। हवा में ठंडक और अजीब सी बेचैनी थी। राघव अपनी तलवार कमर में लगाए चुपचाप अपने साथियों के साथ खड़ा था। सबकी नजरें उस दामिनी की हमशक्ल पर टिकी थी, जो घोड़े पर बैठकर नई चाल चलने की कोशिश कर रही थी। उनके सामने एक तेज बहती हुई नदी थी, जिसके पानी का शोर दूर तक सुनाई दे रहा था। दूसरी तरफ कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। राघव ने चारों तरफ अपनी आंखों को घुमाया। ये रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ लग रहा था। कुछ सोचते हुए राघव ने दामिनी की हमशक्ल से सवाल किया, अब बताओ यहां से कैसे जाएंगे? हमशक्ल बिना किसी झिझक के बोली, हमें इस नदी को ही पार करके जाना है। ये सुनकर सारे सिपाहियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सब एक दूसरे के साथ खुसर पुसर करने लगे। उनमें से एक सिपाही ने साहस जुटाकर दामिनी के हमशक्ल से पूछा, लेकिन इस रास्ते से तो उदयपुर नहीं आता है। सिपाही की ये बात सुनकर हमशक्ल ने ठंडी सांस ली और फिर बोली, हाँ हमें पता है। जब मैं और भैरव रास्ता भटक गए थे, तभी तो उन बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंच गए थे। हम दोनों नदी को पार करके दूसरे किनारे तक गए थे। सिपाही घबराए हुए खड़े थे।
उनकी आंखों में अनजाना सा डर साफ नजर आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ नदी के तेज बहाव की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव को हम शक्ल के ऊपर शक हो रहा था। लग रहा था कि कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं है। फिर राघव ने कुछ सोचते हुए कहा, इस नदी का बहाव बहुत तेज है, हम सब बह जाएंगे, हम इसे पार नहीं कर सकते। जितना दिखाई दे रहा है बहाव उतना तेज नहीं है, हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं, आप लोग चलिए तो सही। ये कहकर हमशक्ल राघव को देखने लगी। राघव उसकी बात सुनकर कुछ देर तक उसे घूरता रहा। पता नहीं राघव को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो फिर बोला, तो ठीक है, सबसे पहले आप ही जाओगी। हर कदम पर विश्वास और छल के इस खेल में किसकी जीत होगी और किसकी हार? क्या नकली दामिनी की असलियत सामने आएगी या राघव उसकी चालों का शिकार हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM ऐप।